दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ताराचंद भटनागर के साथ। आज हम पहुंचे हैं पटला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना के राजकीय महाविद्यालय में, जहाँ कि दांतों के बारे में स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहना से डॉक्टर रीना यादव छात्रों को दांतों के बारे में जानकारी देते हुए, क्या किसी की आवाज़ में बदलाव हो रहा है, मुँह में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लग रहा है, मुंह को फुलाने में मुंह का लचीलापन, गालों का लचीलापन खत्म हो रहा है, या किसी तरह के जो मुंह का हमारा म्यूकोसा होता है, श्लेष्मा बोलते हैं, वो बहुत ही लाइट पिंक कलर का होता है, वो सफ़ेद हार्ड हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, किसी भी तरह का आप कुछ एबनॉर्मेलिटी देखते हैं तो सबसे पहले अपने निकट के डेंटल सर्जन के पास जाकर उसकी जाँच कराएँ, ताकि समय रहते उसका इलाज हो सके। बाकी जो आम जनरल बीमारियां हैं दांतों की, वो हैं दांतों में कीड़ा लगना, पायरिया होना। इसका प्रिवेंशन बहुत ही आसान है कि हम दिन में दो बार ब्रश करें। क्या तो ब्रश करने का तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी खाते हैं ना, उसका एक मुंह में एक लेयर चढ़ती है, उसको हम प्लाक बोलते हैं, उसको समय रहते हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो वहाँ पर दांतों को गलाना शुरू कर देती है, अगर वो रूटीन में वही चलता है। दूसरी चीज़ है हमारा खान पान। तो जैसा कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हरा साग सब्जी, फल फ्रूट ये ज़्यादा खाना चाहिए, बट आजकल चलन हो चला है जंक फूड का, है ना, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे, जितने भी पैकेज्ड फूड आइटम्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सभी के सेवन को कम करें, बचें। कुछ भी खाते हैं अच्छे से कुल्ला करें, कोई भी खाना दांतों पे चिपका ना रहे। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसको अभी से कंज्यूम करने लग गए हैं, तो इस सब के इनटेक को हमें कम करना है।